एक तरफ जम्मू कश्मीर में सेना और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ चल रही है, हर रोज सेना की कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी जम्मू कश्मीर से आई एक खबर ने लोगों के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक यह हादसा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुकरनाग के डकसुंग इलाके के पास हुआ, जहां एक कार के अचानक खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से कार में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि JK03H9017 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली टाटा सुमो गाड़ी जम्मू क्षेत्र की किश्तवाड़ा से आ रही थी। डकसुम के पास अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में लुढ़क गई। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी इम्तियाज अहमद अपने 5 बच्चों और 2 महिलाओं के साथ कार में सवार थे, तभी किश्तवाड़ा अनंतनाग रोड पर आरासान स्थान पर उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद वाहन खाई में जा गिरा। मृतक इम्तियाज किश्तवाड़ से अपने घर माड़वा किश्तवाड़ जा रहे थे, जहां पुलिस की ड्यूटी पर तैनात थी। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर से शव को बरामद कर लिया है और इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि हादसा किन कारणों से हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। हादसे के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि खाई में गिरने की वजह से कार का क्या हाल हो गया है। वहीं से पहले घाटी में हुई सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बस के सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरने से 2 लोग की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक अन्य सड़क दुर्घटना में दोपहर करीब 3:30 बजे रियासी जिले के बिड्डा गांव में एक परिवार के 4 सदस्य वाली एक महिंद्रा बोलेरो कार 200 फीट नीचे खाई में गिरी, जिसमें गुड्डी देवी और उनकी बेटी शोभा की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन चला रहे देवी के बेटे मुकेश सिंह की भी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उनकी नाबालिग बेटी को बचा लिया गया है। वहीं सोमवार को ही मध्य कश्मीर के गंदेबल जिले के जोजेला दर्रे पर सड़क हादसा हो गया। एक कार की गहरी खाई में गिरने से बेंगलुरु के 3 पर्यटकों की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।